लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं में हिंदी, और हिंदी में पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में पढ़ रहे हैं वाच्य। आज हम पढ़ रहे हैं वाच्य का भाग दो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वाच्य का अर्थ, वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद। तीन होते हैं वाच्य के भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पिछली क्लास में हमने कृतवाच्य पढ़ा था, कर्मवाच्य पढ़ा था और उसके प्रयोग कहाँ पर कैसे होते हैं। आज हम इसी में पढ़ते हैं, आज भाववाच्य। भाववाच्य इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही अप्रधान होते हैं वे भाववाच्य कहलाते हैं। मतलब कि जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता, प्राथमिकता नहीं दी जाती, वे भाववाच्य कहलाते हैं। इसको सरल शब्दों में और अकृतवाच्य में वे वाक्य, अकृतवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाचक वाच्य होता है। क्या होता है? ना वहां पर कर्म की प्रधानता है, ना वहां पर कर्ता की प्रधानता है, पर वहां पर क्रिया को प्राथमिकता दी जाती है, भाववाच्य कहलाता है। अन्य शब्दों में कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है। क्या होता है? क्रिया का सीधा सीधा संबंध होता है भाव से, उसे भाववाच्य कहते हैं। यह केवल अकर्मक क्रिया के वाक्यों में ही प्रयुक्त होता है। इसमें सकर्मक क्रिया का लोप होता है, इसमें सकर्मक क्रिया में यह वाक्य प्रयुक्त नहीं होते। उदाहरण के लिए, शेर ने दहाड़ा भी नहीं गया। शेर से दहाड़ा भी नहीं गया। लड़कियों ने हंसा तक नहीं। माता जी से पहाड़ पर नहीं चढ़ा गया। और बच्चों ने से नदी में तैरा नहीं जाता। ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें सकर्मक क्रिया में ये भाववाच्य प्रयुक्त नहीं होते। अब हम आगे इसी में देखते हैं कि उपर्युक्त सभी अकृतवाच्य के वाक्य हैं। इनमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। अभी जो हमने वाक्य पढ़े उसमें क्या है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ कि शेर से दहाड़ा भी नहीं जाता, लड़कियां जोर से हंस भी नहीं पाई, माता जी पेड़ पर चढ़ नहीं पाए। ये सब क्या थी? अकर्मक क्रिया के वाक्य थे। अतः ये सभी भाव भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब भाववाच्य के कुछ और उदाहरण भी हैं। गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। यहाँ बैठा नहीं जाता। सब कौन सी क्रियाएं हो रही है? अकर्मक क्रियाएं। कि ना उसे चला जाता, ना बैठा जाता, ना गाया जाता है, पैदल भी चला नहीं जाता। पैदल चला नहीं जाता, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। खड़े होकर पानी पिया नहीं जाता, अब सोया जाए, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं कि भाववाच्य में कुछ विशेष होता है, उस विशेषता को देखते हैं। भाववाच्य की विशेषता या विशेषता
है इसमें वक्ता का कथन बिंदु क्रिया से प्रकट होता है। वक्ता मतलब जो बोल रहा है, बोलने वाला, कहने वाला। वो कैसे प्रकट होता है? भाववाच में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और अकर्मक क्रिया कर्मवाच ही भाववाच है। जैसे यहाँ सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। अकर्मक क्रिया का कर्म वाच ही भाववाच कैसे हो गया? अकर्मक क्रिया की वो बोल रहे हैं इसमें चला नहीं जाता और सोया नहीं जाता। ये सब क्या है? कर्म है कि हम क्या कर रहे हैं? हम सोने जा रहे पर हमसे सोया नहीं जा रहा। हमें आगे बढ़ना है, चलना है, पर हमसे चला नहीं जा रहा। तो ये अकर्मक क्रिया कर्मवाच कहला। कर्मवाच या भाववाच के जिन वाक्यों में कर्ता की बात से प्रयोग होता है वहां कर्ता के सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं और इस प्रकार के भाव भी भाववाच कहलाते हैं। अब चला जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए। भाववाच केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है क्योंकि इनमें कर्म की स्थिति नहीं होती। भाव वाच क्रिया हमेशा एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में रहती है। आपने वचन पढ़े होंगे बच्चों, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये आपने पढ़े होंगे। उदाहरण, सोया जाता है और चला जाता है। अब देखते हैं कि भाववाची के प्रयोग कहां कहां पर भाववाची का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला है कि विवशता या असमर्थता बताने के लिए, विवशता या असमर्थता बताने के लिए। जैसे इतनी रात तक कैसे जागा जाएगा, मतलब कि हम इतनी रात तक कैसे जागेंगे, आप असमर्थ है ना रात तक जागने के लिए। फिर बुढ़ापे में मनुष्य से चला नहीं जाता, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। फिर दूसरा, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब थोड़ा आराम किया जाए, थोड़ी देर के लिए दरवाजे खोल दिए जाए, अब खाना खाया जाए, तो अनुमति के लिए भी भाववाची का प्रयोग किया जाता है। अब है बच्चों, अभी हमने देखा था कि वाच्य क्या कहलाते हैं, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच देखा था। अब हम देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन, कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में करना, कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन होता है तो उसके क्या नियम है। अब हम देखते हैं कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। तो किसी भी वाक्य को हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वह कहलाता है वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला क्या है? कृतवाच्य के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है और कर्ता कारक के करण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से या के द्वारा, इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। फिर कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदला जाएगा और जाना क्रिया के प्रयोग किया जाएगा। कर्म के साथ कोई फर्सर्ग हो तो उसे हटा दिया जाएगा। कर्म के चिन्ह रहित, कर्म को चिन्ह रहित किया जाएगा। क्रिया के कर्म लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। अब है जैसे कृतवाच की दीपिका ने खाना बनाया, कर्मवाच में क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा से या के द्वारा का उपयोग होगा, किधर है? अब इस कृतवाच
वाच्य को कर्म वाच्य में बनाएंगे, वहां पर क्या लिखा है, कर्ता कारक के करण के चिन्ह से, है ना। तो अब आ जाएगा कि दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। यहाँ पर हमने इस कारक चिन्ह का प्रयोग करके दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। क्या अमीना आगरा जाएगी, क्या अमीना के द्वारा आगरा जाया जाएगा। केदारनाथ ने पूजा की, केदारनाथ के द्वारा पूजा की गई। राधा ने कहानी सुनाई, राधा के द्वारा कहानी सुनाई गई है। मकान नानी जी ने बनवाया है, मकान नानी जी के द्वारा बनवाया गया। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। मेरे मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, फिर क्या है कि मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखते हैं, अभी हमने देखा है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे वाक्यों को बदलते हैं। तो कृत से भाववाच्य निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बनते हैं। क्रिया के साथ विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। कर्ता के साथ द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया व अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। क्रिया को एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। हिंदी में निषेधात्मक अधिकांशतः भाववाच्य का ही प्रचलन है। इस प्रकार भाववाच्य प्रचलन भी ही बना। अब हम देखते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के कुछ उदाहरण। अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, तो इसका क्या होगा। अभी हमने भाववाच्य पढ़ा कि अध्यापिका से जोर से बोला नहीं जाता, क्योंकि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया नहीं होती। तो अध्यापिका जोर से नहीं बोला जाता। बकरी मैं करती है, बकरे से मैं किया जाता। चिड़िया नहीं बैठती है, चिड़िया से बैठा नहीं जाता। कनुप्रिया नहीं गाएगी, कनुप्रिया से गाना नहीं जाएगा। महादेवी नहीं उठती, महादेवी से नहीं उठा जाता। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। पक्षी रात में सोते हैं, पक्षियों से रात में सोया जाता है। वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षियों से उड़ा जा रहा है। और बच्चा चल नहीं पाता, बच्चे से चला नहीं जाता है। बच्चों ये आज वाच्य यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से घर में इसको पढ़ेंगे।